मासूम निहत्ते फलस्तीन, मासूम निहत्ते औरतें, मासूम निहत्ते बच्चे, मासूम निहत्ते नौजवान, उनका कसूर कोई और नहीं था। वो बैतुल मुकद्दस के अंदर इबादत करना चाहते थे, इबादत के अंदर वो अपने सजदा रेज होना चाहते थे, अपने रब को राजी करना चाहते थे, अपने रब को मनवाना चाहते थे, लेकिन जालिम इसराइली फौज ने उन पर निहत्ते लोगों पर आकर गोलियों की ऐसी बौछार कर दी कि लाशों के अंबार लग गए। हमको एहसास नहीं है, हम ना इफ्तार में उनको याद कर सके, ना हमको रात में याद कर सके, ना हमको सजदे में याद आते हैं वो, ना हमको रुकू में याद आते हैं वो, ना हमको दुआ में याद आते हैं वो। वो बेचारों को हमने दुनिया से काट कर उन मुसलमानों को हमने निहत्ते कर दिया। आज शदीद जरूरत है जिदाने मोहतरम मेरे और आपकी, जो लोग मोतकीब बैठे हुए हैं हर मस्जिद के अंदर, मैं उनसे भी इल्तिमास कर रहा हूं कि रात को उठिए आखिरी पहर में, तहज्जुद अदा करते वक्त में कुरूते नाजिला का एहतमाम करके इन यहूदियों की तबाही का जरिया बन जाए मैं और आप, और इन यहूदियों को सफे हस्ती से मिटने का जरिया बन जाए मैं और आप। इनकी दादागिरी, इनकी इजारादारी का वक्त इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से करीब आ रहा है इंशाअल्लाह। बहुत दादागिरी कर ली, बहुत जो है ना मुसलमानों को परेशान कर लिया, बहुत इंसानियत को परेशान कर लिया, बहुत शर्मसार इंसानियत को कर दिया। वक्त आ रहा है, हम इनके लिए चेतावनी की यह बात जरूर बताएंगे कि अभी इस सरजमीन के ऊपर उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के चाहने वाले मौजूद है। खबरदार यहूदी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह खालिद बिन वलीद जैसे सिपह सालार के मानने और चाहने वाले इस सरजमीन पर जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। तुमको सफे हस्ती से जिसने मिटाया था, तुमको घुटनों के बल जिसने लाया था, तुमको जिसने अपनी सफों से दूर किया था, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के जानने और मानने वाले इस सरजमीन पर जिंदा है इंशाअल्लाह। इतना आसान नहीं होगा कि मुसलमानों को परेशान किया जाए, इतना आसान नहीं होगा कि मुसलमानों में तितर बितर किया जाए, इतना आसान नहीं होगा कि मुसलमानों की सफों में इंतजार किया जाए। तुम चलाओ कितने गोलियां चला सकते हो, लेकिन याद रखना अबाबिल जैसे परिंदों ने काबे की हिफाजत की थी, और अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया के हर बेटी और बेटे को, हर नौजवान और हर बुजुर्ग का अबाबिल बना के बैतुल मुकद्दस की हिफाजत के लिए रखेगा इंशाअल्लाह। होगा इंशाअल्लाह, हम वक्त के इंतजार में है, हम अल्लाह से मुनाजात कर रहे हैं, हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, हम अल्लाह को पुकार रहे हैं। हमारे गुनाहों की यह सजा है कि अल्लाह हमारी दुआ आनन फानन कबूल नहीं कर रहा है, इसीलिए कि वह जबान से मैं झूठ भी बोलता हूँ, उस जबान से धोखा भी देता हूँ, उस जबान से मैं अल्लाह का नाम भी लेता हूँ, फिर अल्लाह कैसे मेरी दुआ को कबूल करेगा। इसीलिए मेरे मुसलमानों, ये चार मीनार के दामन में जो काला काले बुरखे जो नजर आ रहे हैं, ये जो दयूस किस्म के मर्द अपनी औरतों की उंगलियां पकड़कर जो शॉपिंग करा रहे हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूं बाज आ जाओ इन हरकतों से। दुश्मन तुम्हारी सफों को खोखली कर रहा है, दुश्मन तुम्हारी सफों में इंतजार पैदा कर रहा है, दुश्मन तुम्हें तबाह करने के पूरे जरिए ढूंढ रहा है, और तुम हो के ईद की खुशियां मनाने में लगे हो। जरा सोचो उन लोगों के बारे में जो मर्ज से हैदराबाद की सरजमीन पर, किसी का बाप मर गया, किसी की बीवी मर गई, किसी का भाई बेटा मर गया, किसी की औलाद मर गई, किसी का पड़ोसी मर गया, क्या तुम उनके गम में शरीक होना नहीं चाहते? होना चाहते हो। और उसी तरीके से जिस तरीके फलस्तीन की सरजमीन पर आज लाशें बिछी हुई है, उनके गम में मैं इतने दूर से शरीक हो सकता हूं, इसीलिए कि मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुसलमान दुनिया में किसी कोने में रहो, वो एक जिस्म के मानिंद है, अगर उसकी एक उंगली को अगर जख्म होता है तो उसका सारा जिस्म बुखार में मुब्तला होता है। यही कैफियत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई और कहा कि दुनिया के किसी खित्ते के अंदर कोई मुसलमान अगर परेशान हो जाता है या गमजदा होता है तो दुनिया के सारे मुसलमानों को उसके गम में शरीक होना चाहिए। हम फलस्तीनी मुसलमानों के साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम उनके दर्द में शामिल है इंशाअल्लाह, हम उनके गम में शामिल है इंशाअल्लाह, और अल्लाह की बारगाह में हम तौहीद परस जरूर मांगते रहेंगे इंशाअल्लाह। वक्त का इंतजार भी करेंगे इंशाअल्लाह, सब्र भी करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन हमें उम्मीद है कि अल्लाह हमारी दुआ रायदा नहीं करेगा इंशाअल्लाहुल अजीज। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह 100 साल के बाद औलाद दे सकता है, तो अल्लाह हमारी भी दुआ कभी ना कभी तो जरूर कबूल करेगा। लेकिन हम ये वार्निंग करना चाहते हैं यहूदियों को कि अपनी अकल को ठिकाने लाओ,
और याद रखना, उम्मते मोहम्मदिया से छेड़छाड़ अच्छी बात नहीं है। हमारे नबी ने हमें सब्र सिखाया है, हम उसी सब्र के दामन को लेकर चल रहे हैं। किसी दिन अगर ये मुसलमान ये सब्र का दामन अगर छोड़ दिया यहूदियों, तो हिटलर ने तुम्हारी जो दुर्गत बनाई थी उससे ज्यादा दुर्गत इंशाल्लाह उम्मते मोहम्मदिया बनाएगी इंशाल्लाह। पर अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू, अल्लाह मासूम फिलिस्तीनियों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह मासूम बच्चों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह मासूम बहनों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह मासूम बुजुर्गों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह निहत्ते नौजवानों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह या अल्लाह बैतुल मुकद्दस की हिफाजत फरमाए, अल्लाह बैतुल मुकद्दस की हिफाजत फरमाए, अल्लाह बैतुल मुकद्दस की हिफाजत फरमाए, अल्लाह या अल्लाह यहूदियों को निस्तो नाबूद कर दे मेरे पाक परवरदिगार, यहूदियों को निस्तो नाबूद कर दे मेरे अल्लाह, यहूदियों को निस्तो नाबूद कर दे मेरे अल्लाह, या अल्लाह यहूदियों के अजायम को पाश पाश कर दे मेरे अल्लाह, यहूदियों के अजायम को तबाह बर्बाद कर दे मेरे अल्लाह, या अल्लाह इनके हथियारों को जीरो कर दे मेरे पाक परवरदिगार, इनके हथियारों को जीरो कर दे मेरे पाक परवरदिगार, इनके हथियारों को ठंडे कर दे मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह जो कोई इस्लाम की दुश्मनी अपने सीने में रखता है, हमारे सीनों को ठंडे करने के लिए, हमारी आंखों को ठंडे करने के लिए ऐसे जालिमों को निस्तो नाबूद कर दे, जमीन दोस्त कर दे मेरे पाक परवरदिगार। तुझको तेरे तमाम नाम और सिफात का वास्ता है, हमारी दुआओं को कबूल फरमा अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल फरमा अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल फरमा अल्लाह। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम व सल्लल्लाहु تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.